ये देखिए गाइस, वाओ, लोकल मशरूम। यहाँ पे मंजिता को देखिए दोस्तों, कल जाएगी ना हॉस्टल पे, इसलिए मम्मी के साथ पूरा चिपक रही है। देखो तो यहाँ पे भी काफी सारे लकड़ियाँ जमा कर दिया दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो के उठे हैं, अभी ब्रश वगैरह करना है, उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से मुझे जाना पड़ेगा मामा जी के घर पे, क्योंकि आज वहाँ पे काफ़ी सारे कामकाज करना होगा। तो आज भी जो है मेरे जो मामा जी को है उसको जो है वो नहीं किया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार तो कल ही किया जाएगा, क्योंकि आज बुधवार है और हमारे नियम में होता है बुधवार को हम लोग नहीं करते हैं, तो आज रखना पड़ेगा, कल ही हो पाएगा। तो आज बहुत सारे काम निकलेंगे, तो फिलहाल मैं फ्रेश हो लेता हूँ। मंजिता तो सुबह सुबह उठ के फ्रेश हो लिया और यहाँ पे गावच्ची भी हमारे साथ खेल रहा है, तो अभी हम ब्रश कर लेते हैं यहाँ पे। तो अभी फ्रेशअप भी हो लिया दोस्तों, तो ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। तो अभी जाऊंगा मैं मूली के साग लेके आऊंगा विथ मूली। ये देखिए हमारा खेत में, तो यहाँ से मूली के साग विथ मूली बॉयल करेंगे, उसके बाद खाएंगे। हम लोग का मटर का खेत जो है उतना अच्छा नहीं हुआ इस बार, देखिए मटर के साग उतना अच्छे हुए नहीं है, बट कोई बात नहीं, मूली लेकिन काफी अच्छे हुए हैं। ये देखिए अभी आप लोग को दिखाता हूँ मूली, ये देखिए एकदम बढ़िया हुए हैं। तो इसको जो हम लोग ऐसे ही पूरा बॉयल करके खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है गाइस। या ये देखिए एकदम लंबे लंबे मूली, बहुत ही टेस्टी होंगे बॉयल करके खाने में। तो अभी निकालता हूँ ऐसे बड़े बड़े वाले, इस साइड के ज़्यादा बड़े बड़े हो चुके हैं, तो इस साइड से निकालूंगा मैं। वाह ये देखिए, ये एकदम बढ़िया, ये वाला साइज काफ़ी है दोस्तों, ये देखिए। हाँ ये देखिए दोस्तों, इतने सारे मैंने तोड़ लिया है, जमा कर लिया है, तो इनकी अभी धुलाई करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है बॉयल करके खाएंगे। चलो लेट्स गो। ओके, मुझे भी धुलाई कर दो। ये देखो मेरा फेस पर क्या हो चुका है, इतना ज्यादा पिंपल, वाह इतना सुंदर है। ये देखो ना मूली बहुत अच्छा है, मतलब पका के खाएंगे, छोटे साइज वाले लिया मैंने। आओ तेरे कैमरे में इतना सुंदर दिख रहा है हम लोग का घर, बादल भी सुंदर ही है हम लोग का घर। अभी जाते हैं, पूरा धूप लग रहा है, मेरा फेस पर क्या पिंपल पिंपल हो गया, हम लोग का बागोर तो फिनिश हो गया। अभी ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है दोस्तों, तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ देखिए घी के साथ पूरा चावल को एकदम भाज दिया है, क्योंकि कल रात को बच गया था ना, उसे वेस्ट नहीं होने देना है। और यहाँ पे देखो मूली बॉयल, कद्दू की सब्जी, रोजल सीड, मिर्च की चटनी और कल रात का सब्जी, तो सभी लोग मिलके यहाँ पे खाएंगे। बाद में अंकल आंटी लोग भी आएंगे यहाँ पे खाएंगे, तो मैं खाना वाना खाने के बाद सीधा जाऊंगा मामा जी के घर। अभी खाना वाना भी खा लिया दोस्तों, अभी मामा जी के उधर में जाऊंगा, थोड़ा बहुत काम तो निकलेगा ही, तो उसमें जो है छोटा मोटा जो भी हेल्प हो सकता है करूंगा अपनी तरफ से। और यहाँ पे देखो मंजिता को पूरा जुए वगैरह चेक कर रही है दीदी। एक्चुअली मंजिता का आज आखिरी दिन है घर पे, कल जो है हॉस्टल जाएगी फिर से। देखो कल मामा जी का वो आखिरी संस्कार सब किया जाएगा और इसे जाना पड़ेगा हॉस्टल। और का बच्ची तू यहीं पे रह, ठीक है? ठीक है, मैं मामा जी के घर में जा रहा हूँ। ओके, मैं अभी पहुंच चुका हूं दोस्तों मामा जी के घर पे, एंड यहां पे जो है साफ सफाई का काम चल रहा है। एक्चुअली जो है जो पेंडल होगा ना पूजा वगैरह के लिए, तो यहां पे बनाना पड़ेगा पेंडल को, तो इसलिए इस वाले जगह को सबसे पहले इनकी सफाई कर रहे हैं, जो भी यहां पे घास घूस वगैरह है सब कुछ। वाह ये देखिए, ये जो एक्चुअली तिल के पौधे हैं, लेकिन क्या करें सफाई तो करना ही पड़ेगा। पूरा यहाँ पे साफ सफाई का काम चल रहा है दोस्तों, देखिए सभी लोग, भैया मामा जी दीदी सभी लोग मिलके हम लोग कर रहे हैं। वाओ वेरी गुड, देखो काम कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। देखो अरे चलो, तो दोस्तों नीचे का तो जो है अच्छे से थोड़ा बहुत सफाई कर दिया, अभी घर का ऊपर। ये देखिए ये जो है नया घर मामा जी लोग का जो है धीरे धीरे बन रहा था, तो इसको जो है पूरा जंगल हो चुका है, इसको अभी सफाई करेंगे। यहाँ पे भी लोगों को जो है बिठाया जाएगा, जो पुजारी वगैरह आएंगे उन्हें भी बिठाया जाएगा, तो यहाँ पे सफाई करते हैं पूरा जो है। इसको सफाई करने के बाद इसमें जो है पैनल वगैरह वो सब बनाना पड़ेगा, तो आज से जोरों शोरों से काम जो है पूरा शुरू हो जाएगा। जब पापा का हम लोगों ने पूजा वगैरह किया था, उसमें मामा जी ने पूरा जो है जोरों शोरों से काम किया था, तो यहाँ पे भी हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा अभी। तो फिलहाल इसकी साफ सफाई करते हैं, पूरा जंगल हो चुका है गाइस देखिए।
ये वाला देखिए दोस्तों, आने के साथ साथ जो है पूरा सफाई करने के बाद कैसा हो गया देखो। जब मैं आया था उसमें पूरा गंदगी थी, यहाँ पे जंगल वगैरह था, अभी सफाई हो चुका है। तो अभी जो है घर का अंदर भी का भी मतलब अभी बाकी है थोड़ा बहुत सफाई करना, लेकिन वो थोड़ा सा बाद में किया जाएगा। अभी जो हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, तो कल जो है अंतिम संस्कार देह संस्कार किया जाएगा। तो उसके लिए लकड़ियाँ चाहिए होगा, तो लकड़ियाँ काटने के लिए गए हैं भैया लोग हमारे बगीचे की तरफ में, तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से लकड़ियाँ वगैरह लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूरा नीम का पेड़ हम लोगों ने काट के रखा था लकड़ियाँ यूज़ करने के लिए, तो वो जो है मामा जी के अंतिम देह संस्कार में काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा वो कर रहे हैं, पूरा साइड में बनाना पड़ेगा ना बिल्कुल जो है चारपाई की तरह, तो उसमें देने के लिए एकदम लंबे लंबे लकड़ियाँ चाहिए होगा, तो उसी को काट रहे हैं अभी। फिर से खुल हारी से वाह, ये वाला पेड़ को भी गिरा दिया गाइस, ये देखिए, क्योंकि इसका भी यूज करेंगे लकड़ी। बस एक सुपारी का पेड़ लॉस हुआ, बाकी सब बच गए, ये देखिए लकी, बहुत ही लकी, बहुत ही लकी हूँ गाइस। एक ही सुपारी का पेड़ लॉस हुआ है, बस इतने सारे सुपारी का पेड़ है देखिए, बस एक तो ही लॉस हुआ है, और इसके अंदर में पूरा जो खाने वाले जो वो है ना कीड़े जो होते हैं अंदर में राइनो बीटल लार्वा, वो हो चुके हैं अंदर में। वाह निकला है, ये देखिए गाइस, वाह राइनो बीटल लार्वा ही राइनो बीटल लार्वा देखिए। ये देखिए गाइस, यहाँ पे दो निकले, वाह पूरा ये पारने के बाद दो निकल गए देखिए। वो वहाँ पे एक और आ गया, ये देखिए राइनो बीटल लार्वा, वाह ये देखिए गाइस। ऐसे करता हूँ सेंसर नहीं भारी, वो खाना भी दिया था ना ना, मुश्किल हो गया, हो गया अब ये तो आ रही। अभी ऊपर जाके पूरा दाल को काट के गिरा दिया दोस्तों, अभी पेड़ को गिराना है लकड़ी यूज करने के लिए। ये मरा हुआ नीम का पेड़ है, भाई साहब वाह। तो यहाँ पे भी काफी सारे लकड़ियाँ जमा कर दिया दोस्तों, लेकिन हम लोग का नियम है आज जो है जो वो मतलब जिसमें अंतिम देह संस्कार किया जाएगा वो जगह अभी हम तैयार नहीं कर सकते, तो कल ही करेंगे, तो इस वाली जगह पे जो है करेंगे, तो कल सुबह से हम लोग का काम स्टार्ट होगा। तो फिलहाल अभी मैं घर जाता हूँ, सुबह मतलब सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था अभी तक, दोपहर में किसी ने यहाँ पे खाना वाना नहीं खाया है, वैसे मामा जी के उधर में भी खा सकता हूँ लेकिन मैं घर में जाके खाऊंगा। तो फिलहाल चले जाते हैं हम घर, आने का साथ साथ दोस्तों पूरा भूख लग रहा है ना, तो फटाफट से खाने में लग गया। ये देखिए बॉयल मूली, यहाँ पे जो है कद्दू का सब्जी यहाँ पे भी है, तो खाते हैं, बहुत भूख लग रहा है यार, ज़्यादा बातें नहीं करते अभी। अभी खाना वाना भी खा लिया दोस्तों, खाना वाना खाने के बाद अभी मैं बाहर में थोड़ा सा टहल रहा हूँ, और हमारे गावच्चे को देखिए यहाँ पे केले खा रहा है, कल जो मैं लाया था ना दोस्तों वो जहाँ पे सीध होते हैं ना वाला केले, देखो एकदम बढ़िया से खा रहा है हम लोग का गावच्चे, बहुत ही खाता है। देखिए गाइस इसमें सीट भी है काले काले, ये सीट को नहीं खाता है, बस केले के मांस को खाता है। वेरी गुड गाउची, ओ गाउची। और यहाँ पे एलोवेरा को देखिए दोस्तों, नया नया लगा दिया है ना, पूरा कलर चेंज हो रहा है, डेली पानी देते हैं लेकिन जैसे इसके रूट जो है मिट्टी में लग जाएंगे उसके बाद जो है इसका कलरिंग चेंज होगा और ये जो है ग्रीन हो जाएंगे बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। अरे गाइस इधर में मुझे कुछ दिख गया, ये देखिए क्या है भाई साहब, ये देखिए गाइस एकदम बढ़िया लोकल ऑर्गेनिक मशरूम मिल गया गाइस, वाओ ये देखिए गाइस, वाओ लोकल मशरूम, वाइल्ड मशरूम गाइस, मजा ही आ जाएगा आज तो। एक एंड ये दूसरा वाला, ये भी आजा भाई, अरे ये टूट ना जाए, यहाँ पे एक छोटा वाला है, ये देखिए गाइस ये छोटा वाला है, यहाँ पे दो मिल चुके हैं मुझे, और भी होंगे शायद यहाँ आसपास में। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा है, इसमें पूरा चीटियाँ लग गए हैं, ये देखिए एकदम छोटा, और भी आसपास में होगा क्योंकि ये एक निकलने से ना बहुत सारे निकलते हैं, और भी ढूंढता हूँ। ये देखिए गाइस यहाँ पे दो, तो वाओ वाओ आज तो पूरा लॉटरी लग गया यार, ये देखो एकदम शाम को पका के खाएंगे, ज़्यादा तो नहीं है बट काम चल जाएगा, ये देखिए वाह एकदम बढ़िया, और भी होगा यहीं में आसपास में, ढूंढना पड़ेगा यार अचानक से। ये देखिए यहाँ पे एक है,
लेकिन ये पुराना हो चुका है, ये खराब हो चुका है शायद मेरे हिसाब से। हाँ ये खराब हो गया गाइस। गाइस देखिए कितना लकी हूँ, मुझे मशरूम मिल गया। अभी और भी ढूंढूंगा मैं, शायद और भी हो सकता है। ये जो है बिल्कुल लोकल है, बिल्कुल नेचुरल है, अपने आप उगता है। ये देखिए मतलब जो सॉयल जो होता है ना वो फर्टाइल होता है, उसी में निकलता है। ये देखिए अभी एक केला जो है छील के ला दिया हूँ गाबुज्जे के लिए। गाबुज्जे बेटा आओ खाओगे, ये लो खाओ खाओ, गुड बॉय। ये देखो अभी कहाँ ले जाके खाएगा, बिल्कुल बुज्जे पे गया है। ये देखिए दोस्तों बुज्जे भी ऐसा है, दूर में जाके खाता था। ये देखो पूरा फिनिश कर दिया, इसमें सीड वगैरह छोड़ दिया। ये देखिए अब ये खा रहा है। खाओ गाबुज्जे बेटा। जो मशरूम मिला था दोस्तों, अभी दीदी उनकी सफाई कर रही है। ये देखो मशरूम और आलू पूरा बाजी करके मंजिता को खिलाएंगे, मंजिता खाएगी, कल जा रही है ना। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मशरूम और आलू का भाजी किया जाएगा। ये देखो तेल दिया जा रहा है और यहाँ पे मंजिता बैठी हुई है कल जाएगी, टाटा बाय बाय हो जाएगी कल। अभी मंजिता पूरा खा रही है, खाओ खाओ आलू एंड मशरूम भाजी के साथ। कल जाने वाले हो, कैसा लग रहा है, कल जाओगे? हॉस्टल ज्यादा पसंद है ना घर पसंद है? ओ मापरे, हॉस्टल पसंद है इसे। बाप रे भाई तू तो पूरा हॉस्टल साइड चला गया। हाँ धोखा हमारे साथ। हाँ यहाँ पे मंजिता अभी भी पूरा डिनर कर रही है और जेरी जो है यहाँ पे वीडियो की एडिटिंग कर रही है। और मुझे जाना पड़ेगा अभी मार्केट में। मार्केट क्या मेरे लिए वो ला दो ना। क्या क्या बोलता है जो मीठा मीठा खट्टा खट्टा करके जो भुजिया जैसा होता है ना। अच्छा मिक्सचर वाला बीकाजी। हाँ, बीकाजी हाँ, हाँ, का। अच्छा ठीक है। थाना बनाना क्या कहता है उसको? थाना बना सब कुछ ऑल इन वन, खट्टा खट्टा वाला, मीठा मीठा खट्टा खट्टा ना लिखा रहता है। अच्छा ओके। अरे काबुच्ची देखो पूरा चल रहा है। काबुच्ची बेटा चलो नीचे, तूने तो खाना खा लिया। और दोस्तों यहाँ आधे रास्ते पे देखिए भैया लोग का खेत से जो है मूली बेच रहे हैं। भैया लोग आए हैं लेने के लिए। कहाँ से आए हैं भैया लोग? महादेवपुर से। अच्छा सामने ही। अच्छा मोनू दोस्त का गांव से आए हैं। और यहाँ पे देखिए 18 रुपए किलो दोस्तों, पूरा साग एंड मूली के साथ। और लाई पत्ता कितना है किलो भैया? 20। अच्छा 2 रुपया ज्यादा है, 1 किलो का 20 रुपीज गाइस लाई पत्ता का, एंड मूली का जो है 18 रुपया। अच्छा आप लोग कहाँ में बेचते हो भैया ये ले जा? महादेवपुर में ही बेचते हो आप लोग भी ऐसे पयारी मतलब दे देते हो होलसेल में ना? अच्छा अच्छा ठीक है चलो अभी चलते हैं हम। दीदी भी पूरा आगे कहाँ जा रही है पता नहीं, ये दुकान। अच्छा चलो तो अभी हम पहुंच चुके हैं सुपरमार्केट में। मेरे साथ साथ आया है अपना अमित दोस्त भी, एंड यहाँ से मैं कुछ लेके जा रहा हूँ। जेरी ने मंगाया था ऐसा कुछ मिक्सचर और ये ऐसा वाला चॉकलेट, इसको खाने का मन कर रहा है बोला है। एंड मंजिता भी खाएगी क्योंकि मंजिता भी कल जा रही है, तो कल एक्चुअली जो है मामा जी का भी आखिरी जो मतलब देह संस्कार होगा वो भी करना पड़ेगा, तो मंजिता को मैं पहुंचा नहीं पाऊंगा। तो दीदी जाएगी मंजिता को पहुंचाने के लिए, मुझे जो है मामा जी के वहां पे रहना पड़ेगा। तो फिलहाल यहां से शॉपिंग करके फटाफट से घर जाएंगे, उसके बाद रात को फिर जाएंगे हम लोग मामा जी के घर पे ना। कल तो मजा आ गया था हम लोग को, लूडो पूरा लूडो खेलते रहे, आज फिर से खेलेंगे लूडो। ये ज्यादा विनर था। तो ये देखिए गाइस जब शादीशुदा हो जाओगे ना तब ये सब चीज़ के बारे में पता चल जाएगा आप लोग को भी, बीवी क्या क्या मंगाती है, सब लेना ही पड़ता है चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। चलो अभी चलो ना हम लोग कुछ मीठा मीठा पान खा के चल जाएंगे। अभी मैं घर आ गया दोस्तों, और आते ही हमारा गाबुच्चे देखो एक्साइटेड वाह। ये देखो खाने का सामान, मेरे बाद में ड्राई केक खाना ओके। ड्राई केक भी लाया। यहाँ पे हमारा मैडम को देखिए क्या लिख रही है, पता नहीं क्या। व्हाट आर यू राइटिंग मैडम? ये देखो क्या है, ग्रैंडफादर नेम, मदर नेम, ये सब मंजिता के लिए। वाओ सब कैपिटल लेटर में। हाँ। टन टन। ये देखो मंजिता और तेरे लिए क्या क्या लेके आ गया मैं। ये देखो पकड़ो मंजिता, देखिएगा वो वाला मारी है देखो। हाँ। खट्टा मीठा। और नीचे में देखो और भी सरप्राइज है। ओ कितना बड़ा है। और गाबुज्जे को देखो ना पूरा आ गया ऊपर में। थैंक यू, वेलकम वेलकम। देखो गाइस गाबुज्जे पूरा अभी बीकाजी का ये भी खा रहा है, ये मिक्सचर भुजिया देखो ना कैसे खा रहा है। ये देखो मंजिता हो गया। अभी देखो सभी लोग यहाँ पे पूरा बीकानेर का भुजिया, बीकाजी का भुजिया खा रहे हैं।
बीकानेर का नहीं, बीकाजी का है ये। और यहाँ पे गाबुज्जी भी खा रहा है मेरे साथ। देखो गाबुज्जी, देखो देखो कौन है यहाँ पे। मंजिता को देखिए दोस्तों, कल जाएगी ना हॉस्टल पे, इसलिए मम्मी के साथ पूरा चिपक रही है। देखो ये जो है कपड़ा, इसने खुद बांध के खुद पीछे में, देखो देखो ना। अपना अमित दोस्त भी पहुंच चुका है जाने के लिए मामा जी के घर पे, और बाहर में भी हीरो लोग, कल का हीरो लोग पहुंच चुके हैं। ये देखो हीरो लोग यहाँ पे आग सेक रहे हैं। जाएंगे आज फिर से लूडो खेलेंगे ना, कल तो पूरा मजा आया ना। ये किसको लाइक भेज रहा है, देखिए गाइस, देखिए देखिए लड़की को। अभी मैं और जेरी यहाँ पे डिनर करेंगे एक ही थाली पे, तो अमित दोस्त लोग को बोल रहा हूँ खाने के लिए, लेकिन ये लोग खा चुके हैं बोला है। हाँ तो मामा जी के घर पे जाने के लिए सबसे पहले डिनर करेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। मंजिता और दीदी ने तो कर ही लिया ऑलरेडी। मंजिता तो सारी लगा रही है फिर से। तो दोस्तों अभी खाना वाना भी खा लिया, अभी हम जा रहे हैं मामा जी के घर पे। लेकिन जो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, पता नहीं क्या होगा। अभी 10-11 बजे तक रुकेंगे, उसके बाद आ जाएंगे ना। बारिश देने से और भी रुकना होगा। हाँ बारिश देने से तो रुकना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे पहुंच चुके हैं दोस्तों हम लोग, और यहाँ पे लूडो खेल रहे हैं। देखो मैं बन गया नंबर वन प्लेयर गाइस। ये देखिए अभी ये लोग पूरा फाइट चल रहे हैं ये लोग का बीच में, और बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे। देखिए सभी लोग पूरा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और हम लोग जो है लूडो खेल रहे हैं। अभी हम घर वापस जा रहे हैं दोस्तों, काफी रात हो चुकी है, अभी रात के 11 बज चुके हैं एंड हमें घर जाना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कल जो है हम लोग का जो मामा जी का है, उनका अंतिम संस्कार वगैरह, देह संस्कार वगैरह वो सब किया जाएगा। तो आप लोग को सारे जो हम लोग का रिचुअल वगैरह होता है, हम लोग का ट्रेडिशनल स्टाइल में कैसे करते हैं, सब आप लोग को दिखाऊंगा। बस आप लोग वीडियो पे बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।